मालवण में आके हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और वैसे हम लोग आए हैं बाम्बू रेस्टोरेंट। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस किया है पूरे मालवण में, आपको जो है रेस्टोरेंट दिखने में कैसे भी मतलब एकदम सिंपल और सोबर दिखेंगे, लेकिन टेस्ट वाइज वो उतने ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और कि क्या पता आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है मालवण में ये जो है बाम्बू रेस्टोरेंट में खाना भी खाया होगा। अगर खाया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं ऐसे टाइम पर आया जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो ओनर से तो बात नहीं हो पा रहा, लेकिन यश गावड़े हमारे साथ है। यश ये भाई ये यश हमारे साथ में। हाय गाइस, मी यश गावड़े। आता सांगितल्याप्रमाणे आमच्या इथे हॉटेलला 15 वर्ष झाली आहे आणि आज आमच्या इथे माशेचं फेमस, कुठलेही मासे घ्या, सुरमय, पापलेट, बांगडा, सुंदा, काही घ्या, प्रॉन्स वगैरे सगळं फेमस आहे। जास्त जास्त ते सुरमय चालते, सुरमयला खूप हे असते, वेळ असते, कारण इथे हॉटेलला बघितलं असेल, तुम्ही दाखवलं असेल सरांनी, ते खूप हे असते। असं काय नाही, जा तुम्ही पुढे एन्जॉय करा, काय असेल ते सांगा। आमचे मॅनेजर वगैरे सगळे असतात, ओनर आमचे म्हणजे माझे पप्पा आहेत, ते आता जरा बिझी आहेत म्हणून मी बोलतो आहे, सरांनी सांगितलं तू बोल म्हणून मी आता बोलतो। आप इनका किचन भी देख लो कितना नीट एंड क्लीन है, और भाई देख के अच्छा लग रहा है मेरे को। जैसे कि आप देख रहे हो संजय गावड़ी जी खुद यहाँ पे जो है फिश फ्राई कर रहे हैं, और अच्छा लगा कि मतलब ओनर जो है खुद यहाँ पे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं सब लोगों को, इसके लिए ये टेस्ट अभी तक बरकरार है। सो बातों में एक बात, जब आप मालवण में आके खाना खाते हो और अगर आपने सोलकड़ी नहीं पिया तो मतलब आपने खाना अधूरा खाया, ये कंसिडर किया जा सकता है, बराबर ना। चपाती, पापड़, सोलकड़ी, कोशंबीर, हे श्रीखंड, हे दही, हे उसळ, डाळ आणि दोन भाज्या, हे तर वालीची भाजी एकच इथे आहे। ही पूर्ण की थाली आहे, वेज थाली बोलते त्याला, ही आमच्याकडे एकच थाली भेटते, बाकी पनीरचं आमच्याकडे आयटम चालत नाही। आणि आता इथे दोन हे सेक्शन आहे, हा वेज सेक्शन आणि हा नॉनव्हेज सेक्शन। ही आमची सुरमई आहे, स्पेशालिटी ऑफ द हॉटेल अत्ती बांबू। आता ही आहे भाकरी, सुरमय फ्राय, ही सोलकढी, ही करी येते आणि टिकलेर आहे, कांदा लिंबू, अशी ही आमची फेमस थाली आहे सुरमय थाली। अगर आप मालवण में आ रहे हो तो अतिथि बाम्बू ये होटल में आना और खाना खाना जरूर, इतना टेस्टी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी अगले यूनिक और अच्छे जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।